खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल से काफी समय से चेन स्नेचिंग की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बमीठा पुलिस और बागेश्वर धाम चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाली महिला गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मंगलवार और शनिवार को दर्जनों चेन स्नेचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी। वही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल चोरी की ज्यादातर करके दर्शन के दौरान होती थी। फिलहाल ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धाम के आसपास 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पुलिस भी पूरे मामले में सख्ती से पूछताछ कर रही है और किसी भी बड़े गिरोह के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ये करीब 7 महिलाएं थी जो बाहर की हैं, और इसमें झपटमारी सेक्शन के तहत हमने इसमें कायमी करी है। इन्होंने उसको इसमें BNS की धारा 7 में हमने 303 और दूसरी 112(3) के तहत FIR रजिस्टर्ड करा है, और इनको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करा है।